अभी हम जा रहे हैं हमारे गांव पे। हाँ, हमारा गांव जहाँ है खिलोस, वहाँ हम जा रहे हैं अभी। और है ना, अभी देखो मूंगफली देखो बाल। मैंने नहीं देखी, मेरे को जिस तरफ देखी वो तरफ मैंने कर दी। हाँ, ये और मौसम देखो पूरा। ये कॉटन का चीज़ कॉटन मिल। हाँ, तो अभी आज है ना मौसम बिल्कुल बारिश जैसा है। हम आगे आ रहे थे ना तो वहाँ बारिश आई थी अभी, लेकिन नहीं आ रही है, लेकिन धूप नहीं है ना तो अच्छा लग रहा है। और इधर है ना बाजू में डैम है, उसको बोलते हैं कंकावटी डैम, है ना पापा? तावटी नदी कहाँ आई है? वो हमारे गांव के बाजू में आई है, घर के पीछे। यस, हाँ, सारे भेड़ बकरिया। हाँ, अभी इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, डैम है ये पूरा जो है ना, तो पूरे पेड़ और सब कुछ जगह है ना हरियाली हो जाती है, सब जगह हरा हरा दिखने लगता है। क्योंकि पेड़ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको पानी मिल जाता है तो पूरा ग्रीन दिखता है, इतना अच्छा लगता है। तो वहाँ देखो ईंटों का जो ईंटा बनाती है ना, ईंटों का भट्टा है, भट्टा है। जब छोटे थे ना तो ये रास्ते पे इतनी ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आती थी और ये रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, तो पापा ऐसे चल के जाते थे, है ना पापा? रात को 11 बजे आजू बाजू, रात, हाँ, 9 बजे 11 बजे ऐसे आते थे घर में। पापा डर नहीं लगता था पूरा अंधेरा रास्ता भी। ये गांव आ चुके रंजीत पर, और इधर रामदेव पीर का मंदिर है। महादेव और रामदेव पीर। सिटी से ज्यादा तो गांव में अच्छे रहने, क्योंकि हरियाली होती है सब, है ना पापा? हाँ, मतलब अभी सिर्फ बारिश के मौसम में ही अच्छा लगता है। होता है कि इधर लाइट ही नहीं होती है, 2-3 दिन तक लाइट ही नहीं आती है, बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। मौसम में ज्यादा धूप होती है इसीलिए गर्मी लगती है, काले हो जाते हैं। मौसम में ज्यादा ठंडी लगती है गांव में, और बारिश के मौसम में 2-4 छींटे पड़ गए बारिश के तो लाइट चली जाती है। क्या होता है ये, बाकी सब कुछ ठीक है। गाँव में अच्छा लगता है, कभी ऐसा लगता है इससे अच्छा तो सिटी में अच्छा है। कम से कम बारिश होती है फिर भी लाइट तो नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी बारिश सिटी में भी होती है तो लाइट चली जाती है, लेकिन गांव में तो बाप रे 2-3 दिन से हमारे घर पे नहीं होती है। इधर तो अंधेरा अंधेरा पूरा होता है, रात में ऐसे डर भी लगता है, फिर सोने में बाहर सोने में, अंदर सो तो गर्मी होती है, लाइट होती नहीं इसलिए गर्मी होती है, और बाहर सोते हो तो फट दी है ना, ऐसा होता। दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे गांव खेत में, और इधर ट्रैक्टर चल रहा है, है ना? ट्रैक्टर चल रहा है, हमने इनमें इसमें मूंगफली बोई है, अभी मूंगफली लगाई है, ऊपर हम चला रहे हैं ट्रैक्टर ताकि अंदर चली जाए जो ऊपर मूंगफली हो वो। इसको लेके बोलो वरना सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए हम उसके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं ताकि कोई भी मूंगफली बाकी हो ऊपर जो दिख रही वो जमीन के अंदर चले जाए। दाने मूंगफली के वो जमीन में से हो जाए ना अंदर। चला रहे हैं हमारे भाई नवरू भाई, ट्रैक्टर चला रहे हैं। देखो इसमें ना इसमें अभी लगाया हुआ है, इसमें देखो अभी लगाया हुआ है, ये अंदर चला जाए उसके लिए ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं।
ज्यादा धूप नहीं, वरना तो मैं बाहर नहीं आता। धूप लगती है, बहुत होती है, तो ज्यादा ऐसे धूप में काम नहीं होता। अभी बारिश भी थोड़ी आई थी तो अभी थोड़ा सी धूप, अभी बादल है ना तो धूप उसकी वजह से कम लग रही है। उस तरफ हमने मूंगफली लगा दी थी, वो अगली बारी आपने देखा। अभी इस बार हम इधर आए हैं पापा, अभी इस बार इधर लग रही है ना, तो अभी हो रहा है इधर मूंगफली के जो दाने हैं ना, उसको ठीक से अंदर जमीन में वो करने के लिए। इतना शांत है ना पूरी, ऐसे जो बस पंखी भी बोल रहे ना उसका भी आवाज सुनाई दे रहे, इतना शांत है इधर, है ना पापा। अभी मैं और पापा ही सिर्फ जा रहे खेत में। हाँ ये अभी छोटी छोटी वो अभी निकलती आ रही है, को जो कभी कभी कोई बड़ी बड़ी हुई, देखो ये पूरा निकल रहा है इसमें से, देखो ये बड़ी हो चुकी है, ये अभी छोटे छोटे देखो है ना, इसमें से आ रहा है, ये इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। कहाँ जाना है पापा, हैं क्या जाऊँ है, वो एटलू बधू न थालू भी है ना। हमने सोचा कि दोपहर के बाद को शायद हम नहीं आ पाए खेत में, क्योंकि वो पूजा है इसलिए, तो अभी हम अभी सुबह ही आ चुकी है अभी। हाँ अभी अभी फार्म हाउस में हम चक्कर लगा लेते हैं। अरे यो कड़वी जरा दिया भी हो यार, पाके तो बहुत मीठी थी ये। ये मामा पुलिस भाई हमारा उपला काठा बोलता, उपला काठा बोलते हैं ये काठा। ये मैंने ये न तन्हा जो चला